आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, इस थर्ड लेक्चर के अंदर हमने परमुटेशन को अभी स्टडी कर रहे हैं, सही है। डिटेल में परमुटेशन को हमने स्टडी किया। परमुटेशन के अंदर हमने किया कि परमुटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट, सिंपल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पी, एक ऑब्जेक्ट क्यू है, एक ऑब्जेक्ट आर है। अब इनकी एक अरेंजमेंट पी क्यू आर हो सकती है, एक आप पी आर क्यू अरेंजमेंट हो सकती है, एक आर पी क्यू हो सकती है, आर क्यू पी हो सकती है, आपके ये फोर हो गए, और एक आपके पास क्या होगी, आपके पास क्यू पी आर होगी और क्यू आर पी हो जाएगी। ये पॉसिबल सिक्स अरेंजमेंट है, ये सिक्स पॉसिबल अरेंजमेंट है, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट्स की ये जो अरेंज, अब ये जो ऑब्जेक्ट जिनको अरेंज करते हैं, अब इन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स भी हो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सारे सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे भी हो सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यानी हमने जो डिस्कस किया था, व्हेन आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, आइटम जब डिस्टिंक्ट होंगे तो उनकी अरेंजमेंट्स कैसे निकलेगी, जब आइटम्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तब उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी, और फिर क्वेश्चंस के अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती थी। क्वेश्चन के अंदर क्या होती थी, रिस्ट्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती थी। तो रिस्ट्रिक्शन को किस तरह सेटल करते हैं, देन सेटल करके मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी में, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से रिपीटेशन लाओ तो तब क्या फॉर्मूला था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो उनको मैं जरा फॉर्मूलाज आपको करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है पी की आपके एन की पावर आर, जब रिपीटेशन लाओ होती तब, ये फॉर्मूला जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसके क्या फॉर्मूला है, एन पी आर, एन पी आर का एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, एन टोटल होंगे उसमें से कितने लेने हैं आपने, वो आपने कर लिया। दूसरा, अच्छा इसकी वेरिएशन भी है, एनपी वन आपके किसके बराबर, एनपी वन एन के बराबर है, और एनपीएन किसके बराबर है, एनपीएन एन फैक्टोरियल के बराबर है, ये भी डिस्कस हो चुका हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, जो ऑब्जेक्ट रिपीटिंग है वो नीचे आएंगे। ये सिर्फ ओनली परमुटेशन के फार्मूलाज है, किसके फार्मूलाज है, परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज हमने डिटेल क्वेश्चन किए थे और काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे और हमें समझ में भी आ गई थी तकरीबन, क्लियर। अच्छा, लोग इनको केसेस करके भी करते हैं, वो फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा, बट आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला से फॉर्मूला हैंड में रखना है, और आपने ये देखना है कि जिनकी अरेंजमेंट निकाली है वो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं है, ये चीज चेक करनी है, और ये भी चेक करनी है रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ। तो इन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए आपने डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला लगा दिया और किस तरह से इंटीग्रेट, सॉरी परमुटेशन उनकी निकाली जाए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाले जाए, सही है। ओके, तो एनपीआर का फॉर्मूला डिस्कस किया, अब लास्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज परमुटेशन की है, 2B एक्सरसाइज। अब 2B एक्सरसाइज बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान है, जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। आप डायरेक्ट ए पार्ट के अंदर क्या है, 9P6 है, 9 ऊपर है, जरा उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, आप ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 9P6 कैलकुलेटर पे भी यूज करके, बड़ा फॉर्मूले के अंदर प्लेस करके आप निकाल सकते हैं। तो योर आंसर इज 60480, ये आपका 9P6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर सारे पार्ट्स क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरह के, कोई इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं, सही है, वन के ऑल अदर पार्ट्स सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम अ क्लास 20 आपके पीपल, 3 पीपल आर गोइंग टू चूजन टू अ स्पोर्ट ऑफ आपके ऑफिशियल्स, सही है, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स के लिए। तो फर्स्ट विल बी आपके स्विमिंग कैप्टन, सेकंड आपके इसके एथलीट कैप्टन, और थर्ड आपके इसके टेनिस कैप्टन, हाउ मेनी वेज, कितने वेज होंगे, सही है। अब जरा देखिए, दो डिफरेंट लॉजिक से आपको बता रहा हूं। नंबर 1 लॉजिक, तीन पोजिशन है, तीन डिफरेंट पोजिशन, एक पोजिशन ये, एक पोजीशन ये, और एक पोजीशन, इस पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, यानी किस पोजीशन के लिए आपको 20 चॉइसेस हैं, 20P1 है आपके पास, क्या आ जाएगा, कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 20P1 हो जाएगा, सही है, ओके। और इस पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 19 चॉइसेस है, रिमेनिंग आर 19P1, और इस पोजीशन के लिए 18P1 चॉइसेस है, ये आपके पास पॉसिबल चॉइसेस है। तो आपने इसको निकालिए, 20 × 19 × 18, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 × 19 × 18, योर आंसर इज 6840। अब इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं,
टोटल आपके 20 और 20 में से पोजीशंस कितनी है, कितनी कितने ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है, यानी उनकी अरेंजमेंट निकालनी है आपने, वो है 3 ऑब्जेक्ट्स, सही है, 3 ऑब्जेक्ट, 3 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशन के हाउ मेनी डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट चूजन, यानी आपके चूज करेगा, मगर यहां पर लिस्टिंग हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है, तो परमुटेशन लगेगी, कॉम्बिनेशन ही लगेगी, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 6840 डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप निकाल लेंगे। तो देयर आर टू पॉसिबल आपके तरीके हैं इसको करने के, इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया, और सारी बात दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम इनके क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एनपीआर के फॉर्मूले को और परफेक्शन में लेके आएंगे हमें। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें करवाई है इनको एक दफा जरूर करना है, और एक मैं सीक्वेंस में लेके जा रहा हूं उन चीजों को, सही है, और इस वीक में परमुटेशन भी क्लोज हो जाएगी और सिंपल प्रॉपर्टी भी क्लोज हो जाएगी, क्लियर। ओके, देयर आर 12 आपके कंटेस्टेंट हैं आपके क्या इन अ सिंगिंग कंपटीशन के अंदर, 12 टोटल है, एंड हाउ मेनी वे फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ प्राइस के लिए, यानी 4 प्राइसेस के लिए कितनी पॉसिबल वेज हैं आपके पास, आपका आस है। तो एक तो ये 12P आपने क्या कर दिया, 12P 4 कर दिया, 12 आपके पास कितनी है, 4 पोजीशंस हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी बेटा। ओके, देखो बेटा, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने क्या किया, आप कह रहे हैं कि सर सेकंड पार्ट के अंदर हमने इनके सिलेक्शन की है किसी की, वो कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाई। देखो, अब एक आगे जाके मैं आपको चीज बताऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये आपस में इंटीग्रेटेड है, और मगर डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, वहां पर परमुटेशन के अंदर, परमुटेशन के अंदर क्या है कि आपके पास अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन में आप सिलेक्शन करें। यहां पर क्वेश्चन क्यों, कैसे पता चल रहा है यार इधर तो परमुटेशन यूज हो रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, 20 पीपल्स हैं, 3 पीपल्स आर गोइंग टू चूजन टू स्पोर्ट ऑफ, 3 इनमें से 3 आपके पास सेलेक्ट हो रहे हैं आपके जाने के लिए, बट फर्स्ट पीपल चूजन विल बी स्विमिंग आपके कैप्टन, सेकेंड आपके एथलीट। अब यहां पर जो एक, यहां पर देखिए आपको एक लिस्टिंग भी आपको बता रहे हैं, पहला स्विमिंग के लिए, दूसरा किसके लिए, आपके एथलेटिक्स के लिए, तीसरा आपके पास टेनिस के लिए, यानी कि अरेंजमेंट आपको दे रहे हैं क्वेश्चन में, यानी कि आपको बता रहे हैं कि पहला आपके किसके लिए, स्विमिंग के लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए। तो जब अरेंजमेंट आपको दे क्वेश्चन के अंदर और सिलेक्शन की भी बात हो रही है, वहां पर परमुटेशन लगती है, वहां पर अरेंजमेंट की बात हो रही होती है, जिसकी सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको कहा है कि पहली पोजिशन के लिए यानी स्विमिंग के लिए आपके कितने बंदों की चॉइस है, 20 बंदों की चॉइस है, क्योंकि आप क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में बातें कर रहा है ऑर्डरिंग की, ये नहीं कह रहे हैं 20 में से 3 सिलेक्ट कर लो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, आपको ये कह रहे हैं कि 20 में से पहला बंदा आप सिलेक्ट करोगे, फिर रिमेनिंग में से दूसरा बंदा सिलेक्ट करोगे, फिर अगर रिमेनिंग में से तीसरा बंदा सिलेक्ट करोगे, ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए हमने परमुटेशन इस क्वेश्चन में अप्लाई की है बेटा, सही है, समझ में आई कि नहीं आई बात। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अभी तो हम सिर्फ परमुटेशन पे फोकस किए हुए, परमुटेशन और फिर मैं आगे अभी आज ही कॉम्बिनेशन भी शुरू करूंगा, और फिर जब हम और अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, सही है, और पास पेपर क्वेश्चन इंशाल्लाह करने, ये पूरी हमारी क्लास होगी, क्योंकि अब मैंने क्लासेस मंडे ट्यूजडे क्लासेस की टाइमिंग आपके चेंज कर दी है, वो तो P1 की क्लास होती है, वो हमारी कर दी 9 बजे मैंने कर दी, 9 to फिर वो लंबी क्लास चलेगी इंशाल्लाह, और अगर उन्हीं में टाइम मिला तो अदरवाइज वेडनेसडे को हमारी लंबी क्लास हो करेगी S1 की और सैटरडे। ओके बेटा, अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन, देयर आर 5 ऑफ 12 आपके इसके कंटेस्टेंट है आपके इसके इन अ सिंगिंग कंपटीशन। अब सिंगिंग कंपटीशन, अब देखो ऑर्डर आपको कर रहा, हाउ मेनी वे कैन बी फर्स्ट, पहला आना, पहले सेकंड आना, थर्ड आना, फोर्थ आना, अब सीक्वेंस आपको बता रहा है, तो जाहिर बात है फर्स्ट प्राइस में के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, देयर आर 12 चॉइसेस, सेकंड के लिए आपके कितनी चॉइसेस हैं, 11 चॉइसेस हैं, 11 बंदे, जाहिर बात है एक बंदा फर्स्ट आ गया तो जाहिर बात है वो सेकंड थोड़ी आएगा, वो तो आप रिमेनिंग में से सेकंड, थर्ड जो है थर्ड के लिए 10 है और फोर्थ के लिए आपके इसके 9 है, ये आपके पॉसिबल आपके साथ आएंगे, और ये आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो योर आंसर इज 11880, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि परमुटेशन लग रही है आपको, पता चल रहा है, सॉरी सॉरी, लॉजिक साइड के
12P4 का आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालो, 12P4 योर आंसर सिमिलर आंसर आ जाएगा। सही बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको फॉर्मूले से। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया सही। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 3 क्वेश्चन था। गुड, अब बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा गौर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर मिनी बस, किसी भी मिनी बस के अंदर आर 16 सीट्स। बहुत क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है पास पेपर के इस तरह के, 16 सीट फॉर पैसेंजर्स के लिए। एंड हाउ मेनी पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर, द 4 पैसेंजर 5। अब 5 बंदों के लिए कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे। अब लफ्ज इधर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंजमेंट के लफ्ज कह रहे, तो दैट इज अरेंजमेंट ही बात हो रही है। तो इसको तो डायरेक्ट आप कर लेना, डायरेक्ट आपके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। 16P5 इज योर आंसर। सही है, क्लियर? आपका आंसर 16P5, योर आंसर इज 5-2-4-1-6-0। ये आपके पास क्या, 5-2-4-1-1-6-0 आपके पास। ये तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आंसर 5-2-4-1-6-0। ये आपके इसका एक मिनट, 16 सीट्स हैं एंड हाउ मेनी सीटिंग फॉर 5 पैसेंजर इन अ पर्टिकुलर मिनी, पर्टिकुलर किसी भी मिनी बस के अंदर। ओके, तो इसको अगर देखें, इन अ पर्टिकुलर मिनी 16 सीट्स हैं फॉर पैसेंजर्स के लिए, हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर आपके इसका है 5 पैसेंजर्स, 5 पैसेंजर्स के लिए 16P5, योर आंसर इज आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके इसका आंसर क्या आया, हाउ मेनी पॉसिबल, हाँ मेनी मीन देयर आर 16 सीट्स हैं, 16P5 आपके आंसर आ गया। इसको उधर दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे, 16 सीट्स हैं और 5 बंदे हैं, तो 5 बंदे हैं, तो सीट्स आपके क्या है 16 है और 5 बंदे हैं, तो बीच में इसका मतलब सीट्स खाली भी होंगे। 5 बंदों के लिए आपके पास क्या है, पहले बंदे के लिए आपके कितनी सीटें हैं, 16 है, पहले बंदे के लिए 16 सीट्स हैं, 16 आ गया, और दूसरे के लिए आपके पास कितनी है, 15। यही आंसर आएगा आपके पास, 5-2-1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉसिबल आंसर आ जाएगा। सही, आप उस डायरेक्ट में डायरेक्ट कर दिए, सही, एक्सेप्टेबल है डायरेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हुए आपके पास पेपर के अंदर। सही है, And how many even numbers? किससे? between 6000 से 7000, यानी 4 डिजिट का नंबर होगा, between इसके होगा, मगर किन नंबर से मिलके बनेगा, किन नंबर से मिलके बनेगा, 1, 2, 3, 6, 7 and 9, इन 6 सिंबल से मिलके बनेगा। और ये भी कह रहे हैं कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। और दूसरा कह रहे हैं वो नंबर इवन होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है और दूसरा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं आपके पास, रिस्ट्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। क्या है रिस्ट्रिक्शन, वो नंबर इवन होना चाहिए। अब देखो पहली तो बात है 4 डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट इसका मतलब ये है, यहां पर जो फिक्स हो गया नंबर, यहां पर कौन सा नंबर फिक्स हो गया, यहां पर आपके पास नंबर फिक्स होगा। अच्छा, यहां पर क्योंकि नंबर 6000 7000 की तरह, यहां पर 6 को फिक्स करते हैं, 6 क्योंकि एक ही 6 को फिक्स कर दिया, और नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन में सारी बात है, इधर 6 के अलावा सिर्फ एक ही इवन बचा, वो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, तो ये 1P1 यहाँ पे आ गया और ये भी 1P1 यहाँ पे आ गया। अच्छा, मेरे पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 प्लेसेस हैं। अब डिजिट पीछे कितने बचे, 2 डिजिट को फिक्स आपने कर दी रजिस्ट्रेशन को सेटल करने के लिए, रिमेनिंग 4 डिजिट बचे, 4 में से कोई भी बीच में आ सकता है, क्योंकि कह रहे हैं नंबर इवन होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, इवन, और इवन के लिए 2 को फिट कर दिया आखिर में, क्लियर, क्योंकि 6 शुरू में आ गया, क्योंकि 6 शुरू, क्योंकि 6000 से 7000 के बिटवीन की बात हो रही है, तो 4P2 आ जाएगा, दरमियान में 4P2 आ जाएगा, तो ये आपका 1 हुआ, 4P2 कितना हुआ, 4P2 आपके कितना होगा, 12 होगा, 4P2 आपका 12 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दें आपके 12 आंसर आ जाएगा। सही बेटा, आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे 12 आपके पास आंसर आएगा, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन भी है और ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट रिपीटिंग नॉट अलाउड है, और नंबर्स आपको एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, 6000 से 7000 के बिटवीन एक रिस्ट्रिक्शन ये है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, नंबर इवन होना चाहिए। तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स हैं 6000 से 7000 के बिटवीन,
जो कि इवन भी हो और इस रेंज के अंदर हो। तो हमने रेंज के अंदर हो तो पहले प्लेस पे सिक्स होगा, तो जाहिर बात है नंबर 6000 के अंदर ही रहेगा। सही है, सिक्स की जगह मैं थ्री रखता हूँ पहली प्लेस पे तो वो तो 6000 से लेस आ जाएगा, अगर सेवन रखता हूँ 7000 से बड़ा आ जाएगा, तो इसका मतलब पहली प्लेस पे तो सिक्स ही आएगा। और लास्ट प्लेस क्योंकि नंबर इवन की बात हो रही है तो वो तो टू ही आ सकता है, टू के अलावा सिक्स तो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे आपका सेट हो गया है। तो आपके पास क्या है 6P2 आपके पास आंसर से, तो दरमियान में अदर टू डिजिट अदर फोर डिजिट में से टू डिजिट आए 6P2 आपके पास हो जाएंगे। क्लियर, ये हमारे पास हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपका फाइव था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारे पास, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपके पास कह रहे हैं सिक्योरिटी कोड कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट, तीन डिजिट का। अब तीन डिजिट का सिक्योरिटी कोड है आपके पास, कोई भी सिक्योरिटी कोड है, मगर किन डिजिट से मिलकर बन रहा है, 4, 5, 6, 7 and 8 इनसे मिलकर बन रहा है, और टू लेटर्स ये डिजिट्स हैं आपके, क्या है आपके डिजिट्स हैं और टू लेटर्स हैं, टू लेटर्स हैं, सही है, फोर डिजिट्स हैं और सॉरी आपके डिजिट्स इसमें से आ रहे हैं और लेटर लेटर कौन से है, सॉरी ये एक तो वो तो हम बात करते हैं, लेटर्स हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस एन टी और लेटर, ये लेटर्स हैं, सही है। इन इनमें से कितने डिजिट्स आएंगे, इनमें से थ्री डिजिट्स आएंगे, यानी इनमें से कितने आएंगे, थ्री डिजिट्स आपके पास आप करें कोड बनाने के लिए थ्री डिजिट यूज करेंगे इन डिजिट में से, और इन लेटर्स में से कितने लेटर यूज करेंगे, दो लेटर यूज करेंगे, सही। एक तो ये बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो कह रहा है वो मैंने लिख दिया, और आपका फाइव डिजिट का कोड बन जाएगा, फाइव जो आप कैसे न्यूमेरिक एंड लेटर्स का कंबाइन एक कोड बन जाएगा, सही है। और कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट कोड आर पॉसिबल, कितने कोड बन सकते हैं पॉसिबल। पहले पार्ट में कह रहे हैं, इन फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या, डिजिट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, डिजिट में आपके पास कितनी चॉइस, कितने डिजिट्स में से आपके पास हो सकते हैं, फाइव में से कोई से तीन हो सकते हैं मल्टीप्लाई, और लेटर में से लेटर भी फाइव में से क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आएगा। तो सिंपल इनको निकाला, 5P3 आपने निकाला 60 आया, ये आंसर आपके पास क्या आया 60, और 5P2 निकाले 5P2 तो ये आंसर क्या आएगा 20, कितना आ गया 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास क्या आ जाएगा 1200 आ गया, कितना आ गया 1200। ये बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, सिंपल फर्स्ट पार्ट का। आप डिजिट से तीन डिजिट सेलेक्ट करें क्योंकि आपको फाइव डिजिट का कोड है, और दो आप लेटर सेलेक्ट करें जितने भी लेटर्स हैं, फाइव लेटर्स हैं फाइव। अब देखो सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट के रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है तो उसका तो फॉर्मूला ही अलग है। अब टोटल कितने हैं, पांच है, टोटल पांच डिजिट है, पांच में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तीन सेलेक्ट करें फाइव की पावर, और इसी तरह कैरेक्टर में भी कितने हैं, पांच है, उसमें से आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, दो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2+1 कितने 5, 5 की पावर 5 आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि n की पावर r फार्मूला होता है, 5 की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा 3125 आ जाएगा। जब रिपीटेशन लॉ होती है तब फार्मूला क्या होता है, n की पावर r फार्मूला होता है, सही है, ये फार्मूला होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बड़ा जबरदस्त छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, सही बेटा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, सही, थोड़े से लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी और फिर 8 क्वेश्चन पे हम आएंगे 8, 9। अब देखिए बेटा, ओके ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें बेटा, अब आप इसके कह रहे हैं, अब रॉय इज प्लेइंग अ गेम इन विच ही हैज टू प्लेस कलर आप कैसे पिक्स into holes के अंदर, in a hole he has six identical red picks, यानी कि अब अलग क्या यूज कर रहा है, identical यूज कर रहा है, और वो कौन से red है, six identical आपके पास क्या है, six identical red है आपके पास, और आपके पास क्या है, एक मिनट क्या है, six identical red है, six में आपके लिए लॉस भी लिखूं,
रेड आप क्या क्या एग्जाम और आप क्या क्या बोर्ड के अंदर और द बोर्ड हैज 10 होल, कितने होल है 10 होल है सही है। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर द प्लेसिंग द सिक्स पैक्स एंड लिविंग फोर होल आर एम्प्टी, चार होल क्या हो एम्प्टी हो। तो इस क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर है सही है, यानी टोटल होल कितने हैं आपके 10 है और आपके चॉइसेस कितनी है आपके पास 6 है, चॉइसेस कितनी है आपके पास 6 है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कोई इतनी कहानी नहीं है, टोटल 10 है, 10p6 योर आंसर इज 151 251 200, ये आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल। ये आपके रेड 6 है टोटल बोर्ड के अंदर और होल कितने 10 है और आपके 4 एम्प्टी रहे तो आप क्या सी हो जाएगा ये क्वेश्चन का, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, 8 आप लोग मुझे करिए जरा थोड़ा सा करिए, मैं इतना पानी पी लूं, आप लोग 8 क्वेश्चन को करिए, ये 8 कैसे होगा जरा जल्दी से इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किस तरह से होगा ये सर बताओ। अच्छा ओके, इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सही है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, कितने इन फाइव डिजिट से 5 3 4 5 6 7 7 द थ्री डिजिट यूजिंग इन पांच में से तीन यूज करें तो पहला पार्ट तो बिल्कुल आंखें बंद करेंगे 5p3, पहले पार्ट का आंसर है 5p3, 5p3 को कैलकुलेटर से निकालो 5p3, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जाहिर बात है ये पार्ट, पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया 60 आ गया, 60 इज योर आंसर सही है। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन यूजिंग वन एंड, यानी कि आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हाउ मेनी नंबर्स कितने नंबर बन सकते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर कहते हैं वो नंबर एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी हो सकता है और तीन डिजिट का भी हो सकता है और चार डिजिट का भी हो सकता है और पांच डिजिट का भी, क्योंकि आपके मोर देन वन डिजिट बात कर रहा है। तो देखो आप सबसे पहले तो करो वन डिजिट के नंबर, वन आपके इसके डिजिट्स नंबर, वन डिजिट्स के कितने बनेंगे, वन डिजिट्स के फाइव बनेंगे क्योंकि या तो थ्री होगा या फोर होगा या फाइव होगा, यानी फाइव बनेंगे। और टू डिजिट्स के कितने बनेंगे, टू डिजिट्स के आपके कितने बनेंगे वो भी आप निकाल लो, टू डिजिट्स के बनेंगे तो टोटल फाइव है, 5p2 आप निकाल लो, टू डिजिट के 5p2 तो ये आपके कितने बनेंगे 20 बन जाएंगे। और बिल्कुल सिमिलरली प्रोसेस के सिमिलरली, तो इसी क्वेश्चन को आप सिमिलरली करके इस तरह से कर सकते हैं सिमिलरली, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोसेस क्या होगा, वन डिजिट के पांच हो गए, टू डिजिट के 5p2 हो गए और थ्री डिजिट के क्या हो गए 5p3 हो जाएंगे, 5p क्या होगा 5p3 हो जाएगा और आपके पास क्या है फोर डिजिट के होगा 5p4 हो जाएगा और पांच डिजिट के 5p5 हो जाएगा बेटा, इन तमाम को प्लस कर देंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। जरा जल्दी से इसको प्लस कर दीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए, मैं खुद भी इतना साथ साथ कर लेता हूं, 20 हो गया 25c3 5p3 आपके पास कितना है 60 प्लस आपके पास क्या 25 फिर प्लस होगा 5p4 ये हो गया प्लस आपके पास क्या 5p5 120 होता है ये तो मुझे पता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी कितना आ गया 325 आ रहे। ओ सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, सही आप प्लस करना है सही है बेटा, मैं कह रहा हूं मेरा बहुत बड़ा आंसर आ रहा है सही है, मैंने गलत कर दिया 325 बिल्कुल सही है ओके बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है पेपर में इस जैसा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आ चुका, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल बच्चों वाला था वो तो बहुत ही आसान था सही है बेटा ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप किस कह रहे हैं, देयर आर 10 सीट्स हैं इन द फ्रंट रो एट द एट अ थिएटर, किसी भी थिएटर के अंदर 6 पीपल आर शोन टू बी टू दिस रो, 6 बंदे हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन दे बी सीटेड
इतने सर पहले पार्ट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का तो आंसर बहुत ही सिंपल सर, तो आपके पास टेन पी सिक्स हो जाएगा, टेन पी सिक्स छह बंदे, तो टेन पी सिक्स आपके पास क्या होगा, टेन आपने लिखा टेन पी सिक्स, तो योर आंसर टेन पी सिक्स का आपके पास क्या आ जाएगा, 15151 आपके इसके 200, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं टू पर्टिकुलर पीपल इन इन द ग्रुप मस्ट बी सिक नेक्स्ट टू अदर। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ओके, 10p6 होगा ना, 5 होगा, 10p6 होगा भाई, पांच सी पांच बंदे हैं, छह पीपल शो इन छह बंदे हैं भाई, छह बंदे कह रहे हैं सेकंड, वो करते हैं ना, वो तो एक लॉजिक के थ्रू हैंडल करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई कहते हैं दो बंदे, दो खास बंदे हैं, वो कहते हैं हम दोनों तो साथ ही बैठेंगे, तो उन दोनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, उन दोनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब जब उनको कंबाइन किया आपने तो उनका ग्रुप बन गया, उनका क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया, सही है। अब वो ग्रुप बना, तो अब ग्रुप बन के वो एज अ सिंगल यूनिट काउंट होंगे, क्या क्या काउंट होंगे, सिंगल यूनिट काउंट होंगे। देखो आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए समझे इसको बहुत अच्छे तरीके से, कितनी सीट्स हैं आपके पास, सॉरी आपके 10 सीट्स हैं, आप सीट्स देखें, ये 10 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 6 7 8 9 and 10 सीट्स हैं। अब दो बंदे, कोई सिर्फ दो बंदे खास हैं, वो कहते हैं कि हम दोनों भाई साथ ही बैठेंगे, जाहिर है दो सीटें तो कंपाइल करेंगे ये दोनों, मगर साथ ही बैठेंगे, इनके दरमियान गैप नहीं होगा, तो इनको एक ग्रुप कंसीडर करें, इनको वन यूनिट कंसीडर करें, यानी वन यूनिट कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये दो सीटें कंपाइल कर जाएंगे, जब भी होंगे दो सीटें कंपाइल कर जाएंगे, और पीछे बंदे कितने होंगे, पीछे बंदे आपके पास क्या होंगे, तीन चार बंदे आपके रह जाएंगे, चार बंदे होंगे, तो ये टोटल अगर आप देखें तो टोटल आपने बेसिकली पांच बंदों की अरेंजमेंट निकालनी है, तो क्योंकि उसको जो दो बंदे हैं उनको एक साथ ही मूवमेंट करना है, एक साथ ही आपने लेके चलना है, तो जब एक साथ ही होगा तो उनको एक एज ए ग्रुप कंसीडर किया आपने, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल तो सीट्स आपकी 10 की 10 है, 10 में से कम तो नहीं हुई, मगर 10p5 इसके शॉर्टेस्ट टेक्निक है, 10p5 इज योर आंसर, इज आपके 10p5 पे आंसर आएगा आपका 30240, ये आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने की, क्लियर, ये आपके। और अगर एक साथ ना हो तो पहले पार्ट में से दूसरे पार्ट का आंसर निकाल दो, वो माइनस हो जाएगा, वो आपके वो पॉसिबल आ जाएंगे, दो बंदे पर्टिकुलर बंदे एक साथ ना हो। ये बेटा ये आपने क्या किया है, ये आपने अभी तक जो डिस्कस किया है प्रीवियस टू क्लासेस के अंदर, मैंने आपको पढ़ाई परमोटेशन, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको सिर्फ और सिर्फ परमोटेशन पढ़ाया, और परमुटेशन के अंदर हमने बात की, जब रिपीटेशन लॉ होती है तो एन की पावर आर होता है, और एन ऑब्जेक्ट्स हो उनमें से कोई आर ऑब्जेक्ट है, एन पी आर का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट मगर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। उसकी दो वेरिएशन है, एन पी वन क्या होता है, एन होता है, एन पी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो लाइक ऑब्जेक्ट्स हो उनकी अरेंजमेंट निकाली तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल क्यूब, जो रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स है वो नीचे आते हैं, और इसके अंदर क्वेश्चन में रिसेशन भी आती है, रिसेशन को सेटल करते हैं और देन हम हमारे पास कॉन्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सिंपल, और हमारी अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाती है। ये बेसिक थोड़ी सी हमने थोड़ी मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली परमुटेशन को 60-70% हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, हम इसको और आगे लेके चलेंगे, ये अभी एक बुक से किया, अभी और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास पड़े हुए, हमने सीक्वेंस में लेके चलना है। अब आते हैं, अब हम कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 20, अब 20 स्टूडेंट्स में से मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक आपके पास एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूं कोई से तीन बंदे, अब 20 में तीन अब सिलेक्शन चॉइस मेरे पास है, चॉइस में कोई से भी तीन सिलेक्ट कर सकता हूं, वो मेरा कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, तो अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं, मुझे उनको अरेंज नहीं करना, मुझे उनमें से चूज करना है, अच्छा वो भले अदनान हो भले नुमान हो, बात तो एक ही है, अदनान नुमान, नुमान अदनान, बात एक ही है, तो जहां पर आप सिलेक्शन करते हैं, जहां पर आप ग्रुपिंग करते हैं, जहां पर आप क्या नाम है कमेटीज बनाते हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन यूज होती है, याद रखिएगा बात, ये
ये इंपॉर्टेंट। तो कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूला है, एनसीआर का फॉर्मूला सी यूज होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है। उसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक आपके पास क्या होता है एंड जो आइटम्स हो वो डिस्टिंक्ट हो, दूसरे का आइटम डिस्टिंक्ट ना हो, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही यूज होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। बट लॉजिक से अगर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन अगर आपको करनी हो तो वो आपके पास क्या होता है, वो किससे हैंडल होता है, वो आपके पास आपके लॉजिक से हैंडल होता है। किससे हैंडल होता है, लॉजिक से आप हैंडल करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का आपके पास, अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के अंदर मैं आपको बताता चलूं, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं कॉम्बिनेशन करवाता हूं। ये हमने कॉम्बिनेशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी, अब हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमारे पास है, और फॉर्मूला क्या है, एनसीआर। एनसीआर का क्या फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसकी दो वेरिएशन है, एक एनसीवन है, एनसीवन एन होता है, और एक एनसीएन है, एनसीएन वन होता है, एनसीएन भी वन होता है, एनसीएन वन होता है और एनसीवन एन होता है। सही है, ये एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी चीज होगी लॉजिक सेंटर होगी, जो भी चीज होगी लॉजिक सेंटर होगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन के कुछ बातें जो एक लॉजिक, जिसको मैं कहता हूं आपके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स फॉलो होंगी, यानी कि रियल लाइफ की टेक्निक्स आप फॉलो करके क्वेश्चन को हैंडल करोगे। हैंडल करने के लिए आपके पास क्या कहते हैं, जिसको हम हमारे मुल्क में मैं बहुत सारे वर्ड यूज करता हूँ, जैसे सिफारिश कल आपके सिफारिश मेथड। सिफारिश मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो एक कंपनी में जो वैकेंसीज आ रही हैं वो 20 वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और उसके अगेंस्ट 1000 एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कितनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, 1000 एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब 1000 में से आपने 20 बंदों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मगर यहां पर आगे पास सिफारिश आ जाती है, किसी भी जगह से सिफारिश कंपनी के हेड को आ जाती है कि भाई आपने 3 बंदों को तो रखना ही रखना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है वो 17 बंदों की करनी है, 3 की नहीं करनी। 3 को तो 1000 में से आपने ले ही लिया, आपने उसके उसके ऊपर तो कोई क्राइटेरिया आप सिलेक्शन का लगाए ही नहीं। तो इसका मतलब ये आपने सिलेक्शन क्या है, 17 की करनी है सिलेक्शन। तो यहां पर इस तरह के सिनेरियोस हमारे सामने होंगे, क्वेश्चन केस स्टडीज होंगी, जो जिसके नंबर ऑफ सिलेक्शन हम निकालेंगे, वहां हम इस तरह की जो टेक्निक्स हो किस तरह से करेंगे वो चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं। अब हमारे पास 2C एक्सरसाइज है, 2C एक्सरसाइज और फिर मिस्कुलेनियस और फिर देन आपको मैं आगे करवाऊंगा। तो 2C के एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, वो जो सिंपल फॉर्मूले से हेलो आई करवा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है हमारा। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कह रहे हैं तो हम कर देते हैं। 11-4, इसको 11-4 को कैसे लिखते हैं, 11C4 लिखते हैं, ये बात पता है। इसका मतलब 11 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल और 11-4 फैक्टोरियल। अभी तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना, नहीं करता तो चलो 11 × 10 × 9 × 8 आपके 11-4 कितना होता है, 7 होता है, 7 पे होल्ड कर लिया। और नीचे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल का 4 × 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 8, सही है। और 33 × 10 = आपके 33 × 10, इट इज 330 आपके पास आंसर आ गया। ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया, सही बेटा, ये आपका आंसर विदाउट कैलकुलेटर हमने किया, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कर सकते थे। मैंने अलाइनमेंट और कैलकुलेटर में सी का बटन होता है, सी और 3 लिख दो 4 लिख दो, 11C4 के 330 आ गया मेरे पास, सही है। ओके, छोड़े, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 का था, वो भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, देखिए मैं ऑक्सफोर्ड की बुक को फॉलो कर रहा हूं अभी पहले फेज में, और मैं दूसरे फेज में कॉलन की बुक को फॉलो करूंगा, और देन हम आपके पास इसके बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है विद ऑल एग्जांपल्स आपको करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में खुद करवाऊंगा आपको विद मिस्कुलेनियस एक्सरसाइजेस, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स। अब देखो बात ये है, अगर आप कहो कि एक वर्ल्ड कप हो रहा है, अब वर्ल्ड कप में 9 टीम्स हैं, कितनी टीम्स हैं, 9 टीम्स हैं। अब 9 टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, मैच खेल रही है। 9 टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, मैच है। अब उनमें पाकिस्तान है और फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से मैच खेले, मैच तो दो नहीं होंगे, मैच तो एक ही काउंट होगा ना। यानी कि यहां पर सिलेक्शन है मैच के बारे में, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेले, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से खेले,
तो यहां पर सिलेक्शन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, एबीओ या बीएओ बात एक ही है, बात एक ही है, सही है। और क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ द फाइव पीपल कैन बी चूजन, पांच बंदे चूज होते विदाउट रिगार्डलेस ऑफ टू ऑर्डर, अब कह भी रहे विदाउट रिकॉर्ड कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, फ्रॉम द स्क्वाड ऑफ 12 पीपल 12 बंदों में से, तो भाई कोई मसला ही नहीं है, आपने कहा 12 बंदे हैं टोटल कितने पांच सिलेक्ट करने, 12 सी 5, अब कैलकुलेटर भाई जिंदाबाद, अब 12 लिखा 12 और कैलकुलेटर सी 5, 12 सी 5, योर आंसर इज 7, आपके पास क्या है 792 आंसर है, इतनी पॉसिबल सिलेक्शन बन जाएंगी आपके पास, क्योंकि आपने कितने बंदे सिलेक्ट करने, आपने पांच बंदे आपने सिलेक्ट करने हैं स्क्वाड के लिए आपके पास, सही है, डिफरेंट पांच टीम्स पीपल्स आप कैन बी चूजन, कितने 12 में से आप करोगे, तो 12 में से करोगे 792 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सही है, ओके आसा सर आराम से क्वेश्चन, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप कैसे कह रहा है, अ कमेटी ऑफ 4 is to be chosen from the group of 9 people. एक committee of 4, चार बंदे 9 बंदों में से select होंगे. अब देखिए बड़ा जबरदस्त question है ये. अब total peoples कितने? Total आपके पास कितने? आप लिख दें. Total कितने आपके पास? 9 है. People है. और आपके chosen यानी जो select होंगे वो कितने होंगे? 4 select. 4 people आपके पास select करेंगे आप. सही है बेटा? ये आपने लिख दिया। अब आपके मिस्टर ग्रीन एंड मिसेस ग्रीन एंड मिस्टर ब्राउन, सही है, और उन नौ बंदों में कह रहे हैं कि टोटल चार बंदे कमेटी के अंदर, चार बंदे आपने लिखने हैं और नौ बंदों में एक बंदे का नाम मिस्टर ग्रीन है और उसकी बेगम भी है, मिसेस ग्रीन भी है और एक और बंदा मिस्टर ब्राउन, तीन बंदों के नाम आपको बता रहे हैं, यानी नौ बंदों में से तीन बंदों के नाम आपको बता रहे हैं कि भाई ये तीन बंदे ये हैं, इनके नाम ये हैं। देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पहली बात हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन यानी सिलेक्ट करने वाला आपने और पॉसिबल कितनी सिलेक्शन पॉसिबल होगी इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 9 में से 4 बंदे सिलेक्ट करने, 9C4 आपने 9C4 को डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड किया, 9C4 योर आंसर इज 126 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 126 आपका आंसर आ गया, हो गया भाई, ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, मिस्टर ब्राउन मस्ट बी ऑन द कमेटी, अब ये देखिए ये सिफारिश कल्चर आ गई, ये आपके वो आ गया, इम्पोज आपने क्या कर दिया, आपने सिलेक्शन के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं सिफारिश ले आया, आप ले आया आपके जिसको कहते हैं बदमाशी आप ले आया, यानी इस बंदे ने होना ही होना है कमेटी के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर ब्राउन तो कमेटी में होगा हम पांच बंदों चार बंदों में जो आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है आपने तो तीन बंदे सिलेक्ट करने हैं, कितनों में से? 8 में से, 9 में से नहीं, क्योंकि एक बंदे को आपने 100% अथॉरिटी दे दी कि वो बंदा तो होगा ही होगा, जब होगा तो आप डाल दें उसको टोटल में से माइनस कर दें, तो आपने तीन बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आएगा? 8C3, योर आंसर इज 8C3, ये आपको आप क्या करेंगे 8C3 आपके पास आएगा, 56 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, सही बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन आर पॉसिबल इफ मिस्टर ब्राउन मस्ट बी ऑन द कमेटी, यानी मिस्टर ब्राउन को होगा ही होगा कमेटी के अंदर, जब होगा तो टोटल 9 बंदों में से मेरे 4 सिलेक्ट करने, तो मिस्टर ब्राउन तो कह रहा है वो होगा, चलो जी उसको डाल दिया, यानी आप मुझे कितने सिलेक्ट करने? 3 करने, मगर कितनों में से करने? 8 में से, क्योंकि 9 एक बंदा तो कह रहा है कि वो तो होगा ही होगा, तो 56 इज माय आंसर, 8C3 मेरा आंसर हो जाएगा, सही है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, मिस्टर ग्रीन एंड मिसेस ग्रीन मे नॉट बोथ ऑन द कमिटी, अब कह रहे हैं कि ये दोनों मे नॉट बोथ ऑन द कमेटी, सही है, दोनों कमेटी में नहीं, सही है, दोनों कमेटी में ना हो, अब दोनों कमेटी में ना हो तो इसके क्या पॉसिबिलिटी, आप में से कोई मुझे बता पाएगा इसकी क्या पॉसिबिलिटी दोनों कमेटी में ना हो, इसकी क्या कह रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन के अंदर आपके क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कमेटी में ना हो,
क्या कहना चाह रहे हैं वो जी बताएं, कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं जी बताएं। फिर हम 7C2 करके मालूम कर लेंगे कि दोनों कितने में हैं, और उसके बाद टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7C2 क्यों करेंगे बेटा, 7C2 क्यों करेंगे जल्दी से बता दो। 7C2 हम इन दोनों का निकालेंगे ना, कि ये दोनों किस में है, ओके। 7C2 करेंगे। आप देखो, आप देखिए, आप हमने मुझे किस तरह से हैंडल करना है, ये चीजें आपने सीखनी है। आप देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, मिस्टर ग्रीन एंड मिसेस ग्रीन मे नॉट बॉल ऑन द कमेटी। अब आपने कहा दोनों ना हो, कोई एक हो सकता है, दोनों ना हो, तो आपने दोनों को दो सिलेक्ट कर लिए, कितनों में से, सात में से, मिस्टर दो सात में, 7C2 कर लिया, 7 में से दो सिलेक्ट कर लिए, और उसको टोटल 9P4 टोटल में से माइनस कर दिया। टोटल हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाला हुआ है, वो आंसर 126 हो जाएगा, 126। इसको मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे 7C2 मेरे पास कितना होगा, 7C2 इज 21, सही है, 16 आप कह सकते हो 21, और ये मेरे पास 105 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 105। ये मेरे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं बेटा, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। थर्ड पार्ट का आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्या है, मिस्टर ग्रीन एंड मिसेस ग्रीन मस्ट बी ऑन द कमेटी, बट मिस्टर ब्राउन मस्ट नॉट बी कमेटी। अब कह रहे हैं मिस्टर, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, बट मिस्टर ब्राउन कमेटी में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है, कितने में से आपने बंदे कितने सिलेक्ट करने हैं जी, जल्दी से बताए। आपको टोटल देखिए, दो बंदे तो होंगे, दो तो आपने डाल दिए, तो इसका मतलब आपने दो बंदे सिलेक्ट करने, कितने सिलेक्ट करने, दो सिलेक्ट करने, और एक को आपने कहा ये नहीं होगा तो उसको बाहर निकाल देने। तो आप टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन 6 है आपके पास, और 6 में से आपको कितने सिलेक्ट करने, दो सिलेक्ट करने, 6P2 इज 15 इज योर आंसर। समझ में आए क्वेश्चन, देखिए टोटल 9 बंदे थे, 9 बंदे में कह रहे हैं कि दो बंदे तो होंगे ही होंगे, मिसेस एंड मिसेस ग्रीन तो होंगे ही होंगे, तो इनको तो डाल दिया, तो इसका मतलब आपने चार में, चार की जगह आप दो सिलेक्ट करने, मगर कितनों में से, रिमेनिंग जो तो 7 में से, अब 7 में से भी कह रहे हैं ये बंदा नहीं होगा, और मिस्टर ब्राउन नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो इसका मतलब 6 में से आपने दो सिलेक्ट करने, तो 6C2 इज योर आंसर। ये बात समझ में आया क्वेश्चन, ये बेटा ये कॉम्बिनेशन की बेसिक टाइप के क्वेश्चन, मैंने आपको इस क्वेश्चन से आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी एलोय हुई है, सही है, ओके। क्वेश्चन 4 आप लोग बेटा खुद कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 आपने खुद करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सही है, 4 बहुत ही सिंपल है, और 5 मैं आपको करवा देता हूं, सही है। वर्कशीट मैंने आपको दी हुई है, पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं दोबारा ग्रुप पे भेज दूंगा, सॉरी दोबारा आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेलिंग बी टीम ऑफ 5 पीपल, 5 स्टूडेंट सॉरी, इज टू बी चूजन फ्रॉम द क्लास ऑफ 12 लड़के और 9 लड़कियों से, टोटल 21 में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, इन हाउ मेनी वे कैन द टीम इज चूजन इफ टीम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 लड़के और 2 लड़के हों, 3 लड़के और 2 लड़कियां हों, सही। ये क्या हो गया, एक मिनट, क्या हो गया, 3 लड़के 1, अच्छा 3 लड़के और 2 लड़कियां, सही है। अब हमें 3 लड़के से लड़के टोटल कितने हैं, लड़के टोटल 12 है, 12C3, और लड़कियां टोटल कितनी है, लड़कियां टोटल 9 में से 9, ये आपका बस ये सिंपल सा आपका आंसर है, सही है। आपने 12C3 मल्टी 1 220 हो जाएगा बेटा, ये 220 मल्टीप्लाई 9C2 ये आपके 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72, और इनको मल्टीप्लाई करें 72 मल्टीप्लाई बाय 220, योर आंसर इज 15840, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सही बेटा। क्वेश्चन 5 का आपके आ जाएगा, पहले पार्ट का आपके 5 बंदे आपको, 5 में से 4 लड़के 3 लड़के सिलेक्ट करने, आपके इन हाउ मेनी बेस आर द टीम आपके चूजर इफ द टीम 3 लड़के और 2 लड़के, 9 में से 2 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, 9 में से 2, 12C
थ्री कितना आया मेरे पास 220 और ये कितना है 9 लड़के 9C2 36 आया बेटा, ये मैं गलती कर बैठा, 36 आएगा, वो मैं 3 लिख दिया 36 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने कहा चेक कर लूं 220 इट्स सेम, ये मेरा आंसर ये आ जाएगा, आंसर मेरे क्या आएगा 7920 ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं तीन लड़कियां सेलेक्ट करनी हो, दो लड़के सेलेक्ट करने हैं, तो लड़कियां कितनी है 9C3 हो जाएगा और लड़के कितने हैं 12C2 हो जाएंगे, दो लड़के सेलेक्ट करने हैं। अच्छा 9C3 मेरे पास क्या आया 84 आ गया, 9C3 84 आ गया और 12C2 मेरे पास कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 12C2 मेरे पास 66 आ जाएगा और 66 मल्टीप्लाई बाय 84 तो मेरे पास आएगा 5544 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया सही। कौन से पार्ट आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट के में जब मैं करवा रहा हूं आपको, थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लव्ज है एटलीस्ट। अब ये मीनिंग समझिएगा, दो लव्ज है ये प्रमोटेशन में भरे पड़े हुए हैं और खासतौर पर एडल प्रमोटेशन के अंदर। एक लव्ज होता है एटलीस्ट, आप कहते हो ना सर मैं एटलीस्ट 5 गिलास पानी पीता हूं या पीती हूं दिन का, तो इसका मतलब कम से कम आप 5 पीती हैं, मैं भी ज्यादा से 6 भी पी सकते हैं, 7 भी पी सकते हैं, 8 भी पी सकते हैं, 10 भी पी सकते हैं, सही है ये एटलीस्ट के मीनिंग है कम से कम, यानी आप 5 तो पीते ही पीते हैं 100% है, 5 से कम नहीं पीते आप, 5 और 5 से ज्यादा पीते हैं एटलीस्ट की मीनिंग है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं सर मैं तो ना, अब आप वॉक के बाद बात करते हैं, आप कहते हैं मैं वॉक करता हूं, मैं डेली एटमोस्ट ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर वॉक करता हूं, एटमोस्ट जब लफ्ज आ रहा है एटमोस्ट वो भी आगे जाए क्वेश्चन में आएगा, मैंने कहा अभी एक्सप्लेन कर दूं आपको 3 किलोमीटर, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर करते हैं, मैं भी ये मेरी तरह की एग्जाम्पल होगी, मैं कहता हूं मैं एटमोस्ट ज्यादा ज्यादा हर हफ्ते 3 किलोमीटर की वॉक करता हूं, तो ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर करता हूं, मैं भी 3 किलोमीटर की जगह मैं आधा किलोमीटर भी कर रहा हूं, 1 किलोमीटर भी कर रहा हूं, 1.5 किलोमीटर भी कर रहा हूं, तो आपके पास वो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप कितना करें, तो ये दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में, सही है। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कम से कम 3 लड़कियां होंगी, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि 12 में से आपके कम से कम 3 लड़कियां, यानी 3 तो होंगी 12 में से, सॉरी पहले तो आप मल्टीप्लाई कर 9 में से आपने कहा 3 लड़कियां होंगी, कम से कम 3 होंगी, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 से कम नहीं होंगी, और 2 लड़के होंगे, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है 12 में से 3 लड़की और सॉरी एक लड़का हो, एक लड़का और 4 लड़कियां, 4 लड़कियां 9 में से 4 लड़कियां, यानी कम से कम आप कह रहे हैं और ज्यादा ज्यादा 4 लड़कियां भी हो सकती है, और एक ये पॉसिबिलिटी भी है लड़का कोई भी ना हो, लड़का कोई भी ना हो, लड़कियां कितनी हो 9 में से 5 की 5 लड़कियां हो, यह भी पॉसिबिलिटी है, तो इन 3 पॉसिबल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, कोई एक आपका आंसर क्या होगा पॉसिबल आप कैसे होगा, तो इन 3 पॉसिबिलिटीज आप निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे, तो आप कम से कम 3 लड़कियां हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो जो आपकी सिलेक्शन होगी उस सिलेक्शन में यह भी पॉसिबिलिटी 3 लड़कियां भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या लड़कियों की तादाद पूरी भी हो सकती है, तो बेटा इसका कैलकुलेटर से मैं आंसर निकालूंगा 12C2 निकाल 12C2 मेरे पास जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय आपके समय 9C3 मैंने किया तो मेरे पास आया 55, ये तो मैं कर भी चुका हूं 5544 ये हमारा हो चुका प्लस और 9C4 निकाला 9C4 मल्टीप्लाई बाय 12 ये मेरे पास कितना आया 1512 और प्लस 12C01 होता है 12C0 आपके पास क्या होता है 1 होता है सही है और 9C5 कर दो 9C5 126 हो जाएगा बेटा। अब इन तीनों को ऐड कर 126 प्लस 1512 प्लस 5544 तो योर आंसर इज 1782 आपके पास आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 1782 आपके पास आंसर आ जाएगा सही है। ये थर्ड पार्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर आ गया सही ओके अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6
ओके, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ द फाइव लेटर्स, सही, अब सिलेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की, ऑफ फाइव लेटर फ्रॉम द 11 लेटर्स, 11 लेटर्स में से, और 11 लेटर्स किसके हैं, प्रोबेबिलिटी के, किसके हैं, प्रोबेबिलिटी के, कंटेन बोथ, जो आप कह सकते हैं बोथ बी एंड नो वॉवल, यानी कि आपने फाइव लेटर सिलेक्ट करने हैं किसमें से, 11 में से, पांच आपने 11 में से सिलेक्ट करने हैं, और आपकी जो सिलेक्शन होगी आपके उसके कह रहे हैं 11 पर आपके उसके, और आपके कंटेन आपके उसके बोथ बी एंड नो वॉवल, यानी जो पांच आपके सो दोनों बी कंटेन करे और कोई वॉवल कंटेन ना करे, तो इसका मतलब ये है कि 11 में से दो तो बी है, कहते हैं ये तो होंगे ही होंगे, और वॉवल से बी आपके दो आए और आई के अलावा कोई वॉवल नहीं है, तो इसका मतलब आए नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये टोटल चार हो गए, ये चार, चार में से दो तो होंगे, तो इसका मतलब ये है, तो 11 से 4 माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा, तो 7 में से आपने कितने सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट करने, 7 में से कितने सिलेक्ट करने थी, 7C3 इज योर आंसर, ये बात समझ, किसको समझ में नहीं आई, 7C3 वाली, 7C3 आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 7C3, एक मिनट को, टोटल कितने, और तो कोई वॉवल नहीं है ना, एक प्रोबेबिलिटी आई दो दफा है, ए आई ओ यू, ओ भी है ना, ओ भी निकलेगा यार, ओ भी वॉवल है, 6 हो जाए, 6C3 6 हो जाएगा ना, 6C, मैं ओ को काउंट ही नहीं किया, 6C3 आपके हो गया, एक मिनट, ए ई आई ओ प्रॉपर्टी, हाँ ओ भी नहीं है, तो आपके इसके दो भी, आपके इसके कंटेन दोनों भी कंटेन और नो वॉवल, कोई वॉवल ना, तो वॉवल दो आए और हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, हमें पांच सिलेक्ट करने हैं, फाइव, तो दोनों दो भी तो आपके से हैं, वॉवल कोई नहीं है, तो आपके टोटल कितने हो गए, टोटल आपके ये कितने पे, दो भी और तीन, पांच, पांच आपके माइनस हुए तो सिक्स आया, और सिक्स डिवाइडेड बाय आपके इसके सिक्स सी, और आपने तीन सिलेक्ट करने हैं, तो दो भी ऑलरेडी है, तो 20 इज योर आंसर, क्या आ जाएगा, 20, कोई गलती तो नहीं कर रहा, तो 11 लेटर्स आर द वर्ड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आई दो दफा है और तो कोई वॉवल नहीं, अब ए भी वॉवल है यार, अस्तगफुरल्लाह, ए भी वॉवल है, 5C कोई मैं कहूं कोई गलती ना कर बैठू, सही, ए भी वॉवल है, ए ए ओ डबल आई वॉवल्स हैं, देखो वॉवल्स कौन कौन से, ए ओ ए आई आई, ये वॉवल्स है, चार ये वॉवल्स है, कहते हैं ये नहीं होंगे, दो भी होंगे, दो भी होंगे, तो इन दो भी को तो आपने इंक्लूड कर दिया, यानी कि आपने तीन तीन लेटर सेलेक्ट करने, मतलब कितने लेटर, मीनिंग किसमें से तीन सेलेक्ट करने, पी आर और आप कह सकते एल टी वाई, इन पांच में से तीन सेलेक्ट करते हैं, इन पांच में से, यानी कि ये जो चार हैं ये आपने सेलेक्ट नहीं करने, और ये ऑलरेडी बिल्टन है, ये ऑलरेडी बिल्टन है, यानी ये तो सिलेक्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन में कह दिया उसने, तो 5C2 5C3 इज योर आंसर, 5C3 योर 10 आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 10 है, सही है, मैंने कहा फिर दोबारा चेक कर लो, 10 आंसर हो गया बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था, 10 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ओके बेटा जी, कुछ कह रहे, देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉबर्टी, प्रॉबर्टी के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल 11 लेटर्स, अब टोटल 11 लेटर्स कहता है इन 11 लेटर्स में पांच लेटर आपने सिलेक्ट करने, पांच लेटर आपने सिलेक्ट करने, वो जो पांच आप सिलेक्ट करेंगे ना उसमें कह रहे हैं कि दो बी शामिल हो, कंटेन हो, वो दो बी मौजूद हो, तो इसका मतलब है दो बी तो अब वो सिफारशी कल्चर आ गया, उसने तो होना ही होना है, तो आप इसका मतलब टोटल में से भी माइनस कर दे दो और वो दो भी आप इंक्लूड कर दे, तो यानी आपने आप तीन सेलेक्ट करने, किसमें से, कितनों में से, नौ में से, नौ में से तीन सेलेक्ट करने, मगर आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नो वॉवल, यानी कि आपका जब आप जो सिलेक्ट करेंगे ना उनमें कोई वॉवल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब चार लेटर तो वॉवल है इसके अंदर, ए ओ और दो आई, ये चार वॉवल, ये सिलेक्ट तो नहीं होंगे, कहते ये नहीं सिलेक्ट, अब ये भी नहीं था इनको, इनको, इनको मैंने कहा साइड हो जाओ भाई, आप साइड हो जाओ, तो रिमेनिंग फाइव लेटर में से हमने लेटर सेलेक्ट करने, रिमेनिंग फाइव पांच लेटर में से हमने कितने लेटर सेलेक्ट करने, तीन लेटर सेलेक्ट करने, 5C3 10 इज योर आंसर, 10 आपका आंसर हो जाएगा, सही है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्लियर, और बड़े मजे के क्वेश्चन है, और आगे जाके आप पास नंबर क्वेश्चन करोगे तो आपको फिर और अच्छे तरीके से पता चलेगा कितने अच्छे क्वेश्चन है, ओके क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ जी,
ओके क्लियर ओके गुड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है? ओके डेटा रिप्रेजेंटेशन के बेटा 1F तक मुझे ओके करेंगे आप हर क्वेश्चन विद ऑल एग्जांपल्स। अब हो गए आपके टेस्ट। अब मुझे बिल्कुल ये आपकी ट्यूसडे तक आपको ये रिपोर्ट मुझे चाहिए 1F तक। 1A से नहीं तो वो जो आपके समेशन ऑफ एक्स माइनस ए वगैरह के जो क्वेश्चन करवाए थे 1F तक उधर तक और क्वेश्चन चाहिए मुझे। कोई अगर नहीं है तो मेरे से एक्सरसाइज दोबारा करवा लें। क्लियर? क्योंकि जैसे ही वो टॉपिक वो चैप्टर क्लोज होगा मैं उसके पास में फिर क्वेश्चन करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 14 पीपल सही ईटिंग अ रेस्टोरेंट बी डिवाइडेड बिटवीन 3 टेबल्स। चलो एक टेबल पे 6 बंदे हैं, दूसरी टेबल पे 5 हैं और तीसरी टेबल पे 3 बंदे हैं। अब यहां पर लफ्ज क्या आ रही है? ग्रुपिंग। ग्रुप तो इसका मतलब है आपने सिलेक्शन करनी है। आपने क्या करनी है? देखिए लिस्टिंग आ जाए, अरेंजमेंट आ जाए, वहां परमुटेशन होगी। तो टेबल नंबर 1 पे आपके कितने बंदे पहुंचे? आप घर के फैमिली के 14 बंदे गए। अब 14 में से जाहिर बात है पहले 6 बंदे टेबल एक टेबल पे बैठ जाएंगे तो आपने पहली टेबल पे 14C6 हो जाएगा। दूसरी टेबल पे आप रिमेनिंग क्या होंगे? दूसरी टेबल पे बैठेंगे। दूसरी टेबल में रिमेनिंग कितनों में से बैठेंगे? जी रिमेनिंग कितनों में से बैठेंगे? आपके 6 बंदे बैठे 8 में से कितने बैठेंगे? 5 बैठ जाएंगे। और फिर रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग 3 बचे, 3 में से 3 बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? 3 में से 3 बैठ जाएंगे। तो ये हमने निकाला 14C6 मैंने निकाला तो मेरे पास आंसर क्या है? 3003 आ गया। और फिर मैंने क्या 8C5 मेरे पास आया 56। कितना आ गया? 56 आ गया मेरे पास, सही है। और 3C3 मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। इनको आपने क्या कर देंगे? आपके 3003 आपके इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है। मेरी बात समझ में आ रही? ये नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके कितना है? 168 ये अरेंजमेंट्स आ जाएंगी आपको, सॉरी सिलेक्शंस हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएंगी, सही है। यानी 168,168 सिलेक्शंस पॉसिबल है। यानी जिस तरह से बने, यानी आप कभी पहली टेबल पे बैठो या दूसरी टेबल पे या तीसरी पे बैठो या आपके साथ कोई और बैठे तो इस तरह की कितनी सिलेक्शन बन जाएंगी? 168,168 सिलेक्शन पॉसिबल है, सही बेटा। ओके बेटा ये अभी आपकी स्टार्ट हुई है कॉम्बिनेशन। ये 7 क्वेश्चन करवाए हैं, 1 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे बेटा। आप लोग बाकी नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा अगर कल मैंने ली क्लास को, सही है। अगर मैं कल किधर गया ना तो बाकी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी असाइनमेंट बेटा ये है कि आप लोगों ने 1 पहले चैप्टर को 1F तक ओके करना है। कोई किधर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं करवाता हूं आप लोगों को। रिपीट रिविजन करनी है रिविजन करवाता हूं, जो भी है करवाता हूं। क्योंकि पास पेपर के जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप लोगों से आप यानी जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को उससे पहले जैसे मेरे करने से पहले ही आपको करना आ जाए, सही है। मैं ये चाहता हूं। ओके बेटा ओके okay. कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके ओके बेटा ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।